भाई आलू पराठा और दही वगैरह तो और भी करते हैं ऑर्डर। फजान भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे और मैं हूँ आप सबका दोस्त शकील। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। दोस्तों टाइम हो गया अभी दिन के बज के 11, तो हम पहुँच गए अभी चित्तौड़गढ़ में और चल रहे हैं कंटिन्यू। रात भर ड्राइविंग करता रहा मैं और राशिक भाई अभी ड्राइविंग कर रहे हैं। तो भाई चल रहे थे क्योंकि अभी तक फ्रेश वगैरह भी नहीं हुए, तो आगे जाके देखते हैं कहीं पे फ्रेश होके वहाँ पे चाय वगैरह देखेंगे क्या खाए पियेंगे, तो वहीं पे जाएंगे फ्रेश होंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए सुबह सो गया था 6 बजे से, लेकिन अब आपको जागना पड़ गया क्योंकि आगे थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंट का काम था। तो अभी फैजान भाई भी गए थे। फैजान भाई क्या हाल है? बस ठीक। मतलब फ्रेश वगैरह हुए भी अभी? अभी तो हाफ कपड़े पहन के रखे भाई, तो कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं ऊपर वाला आगे क्या करेगा यार। आपके तो बहुत डर है यार, बहुत सर्दी है। राशिद भाई ने तो वैसे फॉर्मल पहन के रखी है, मतलब ये पहले से ही करके रखता है, ये सेटलमेंट पहले से करके रखता है। हाँ ये बहुत खतरनाक है। और मैं आपको थोड़ा सा बाहर का फूल दिखा रहा हूँ अभी, तो कितना मजा है। और हमारे फैजान भाई देखो भाई बैठे हैं, और राशिद भाई भी अभी चला रहे हैं गाड़ी। हाँ राशिद भाई क्या हाल है? बस ठीक, शुक्र शुक्र ऊपर वाले का। हमको जल्दी लोड मिल गया इसलिए आ गए। कौन सा जल्दी मिल गया? फिर भी 2 दिन बैठे थे फैजान भाई। और अपना YouTube का भी वहाँ पे देखो भाई लिखा हुआ है सब कुछ। और देखो भाई आगे रोड तो मस्त है, लेकिन इधर भी देखो साथ साथ में छोटे छोटे पहाड़, डीजल वाले ये पेट्रोल पंप है। वाह राजस्थान में चल रहे भाई। देखो भाई पीछे वाला साइड गाँव में सब ट्रक्स वगैरह लगे अभी, वो जो भी खराब है तो क्या हो रहा है, सफाई हो रही है, तो वॉश कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे यार सबसे पहली बात यार ये छोटे छोटे जो पहाड़ है ना, मुझे मस्त लगते हैं। मुझे मतलब ये ऐसी फील दे रहे कि जैसे वो सऊदी अरब में नहीं होते। मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि यार आप तो जैसे उसी कंट्री में चल रहे अभी, और उतना मुकद्दर कहाँ होगा यार, एक दिन वहाँ पे चला जाऊँगा ऐसे ऐसे पहाड़ देख। फाइनली दोस्तों हो गए फ्रेश वगैरह, और यहाँ पे रुके थे हमने ढाबे पे, गाड़ी अपनी पार्क की थी। और अपना जैगवार देखो वहाँ पे, तो चलो अंदर चलते हैं और करते हैं कुछ ऑर्डर, आलू पराठा या क्या देखेंगे क्या होगा। और राशिद भाई वगैरह फैजान भाई वहाँ पे फ्रेश हो रहे, चलते हैं अंदर ढाबे पे। हमने अंदर जाना है और यहाँ पे अपना जैगवार भाई, आलू पराठा और दही वगैरह तो और भी करते हैं ऑर्डर। फजान भाई क्या हाल है? और पराठे ऑर्डर करवाए? हाँ ये तो खाए, चलो खाओ खाओ। फाइनली गाइस दोस्तों दिन के 3:30 बज गए और पहुंच गए अभी हम किशनगढ़। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ट्रकों का और गाड़ी मतलब कितना सारा, काफ़ी सारा सामान बिकता है, मतलब ऑल टाइप इसका मतलब मेटिंग वगैरह सब कुछ। तो अभी हम करवा रहे हैं अपनी गाड़ी में ग्रीस, तो ग्रीस फिल्टर साफ करवाओ और ऐसे साफ करो, देखो भाई कितना मतलब साफ हो जाता है जल्दी। गाय
गाइस यहाँ पे डालना था अभी डीजल राजस्थान किशनगढ़ में, तो जो कि एक्स्ट्रा डीजल जो हमारा था ख़त्म हो गया, तो अभी यहाँ पे डालेंगे डीजल। डलवा रहे हैं अभी यूरिया, तो अभी टाइम हो गया 4:30 बज के, और अपने जैगवार में डलवा रहे हैं यूरिया। भाई देखते हैं कितने का यूरिया जाएगा, और यहाँ का व्यू देखो भाई, ये टाटा कंपनी है, यहाँ पे टाटा कंपनी पे यूरिया डलवा रहे हैं। तो भाई यूरिया हो गया हमारा टोटल कितने लीटर, 24 लीटर टोटल यूरिया हो गया 1400 का। तो चलो भाई निकलते हैं अब। फाइनली दोस्तों रात के 8:30 बज चुके हैं, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं रतनगढ़ के, और यहाँ पे हमने किया अपनी जैगवार को स्टॉप थोड़ी देर के लिए, रेस्ट भी करते हैं, और यहाँ पे साइड में ढाबा है, और चलो करते हैं लंच यहाँ पे। तो चल रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि गाड़ी में आज खाना वगैरह भी नहीं बनाया, मैं और राशिद भाई दोनों सेम थे, मतलब उसको भी मन नहीं कहा बनाने का और मैंने भी नहीं बनाया, तो चलो मैंने सोचा आज खा लेते ढाबे पर कंटिन्यू, मतलब जब से सौदा से महाराष्ट्र से निकले तब से ढाबे पर ही अपना मतलब खाना वगैरह खा रहे हैं। देखो अपने जगवार का व्यू, राजस्थान में आते ही यार बहुत सर्दी लग गई। सारी सब्जियां ले आई जो कि हमें समझ में नहीं आया, तो बोलने लगा कि जो आपको अच्छा लगे, ये खीर है भाई। फैजान भाई, फैजान भाई डालो यार जो अच्छा लगे। दही तो ये खीर है भाई, चटनी सब्जी। दूसरे दिन हमारे व्लॉग का और चल रहे कंटिन्यू, तो पहुंच गए गुरदासपुर, और रात में नाइट में पूरे राशिद भाई गाड़ी चला रहे थे, मैं सोया हुआ था, सुबह तकरीबन 7 बजे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और अभी राशिद भाई को थोड़ी रेस्ट दे रहा हूँ, और फैजान भाई भी दोनों सोए, तो पहुंच गए अभी हम गुरदासपुर पंजाब में, और जाते हैं आगे लखनपुर में, वहाँ पर फ्रेश वगैरह हो गए और चाय पानी वहाँ पर पी गए, करते फिर से आगे का अपना सफ़र स्टार्ट। पहुंच गए अभी लखनपुर, और करेंगे यहाँ पे अपना मतलब लंच वगैरह भी हो गया थोड़ा बहुत, तो सब्ज़ी वगैरह भी ले ली, और आसिफ भाई अभी से चलाएंगे गाड़ी, तो यहाँ से अभी हम निकलेंगे, तो चलेंगे कैंटीन, अभी दिन के 12 बज गए हैं, तो चलो भाई कहते हैं आज का व्लॉग भी यहीं पे, हम तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।